हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो हियर टू गाइड। और आज मैं आपको गाइड करूंगा कैसे आप अपने पेट की इमेज को फोटोशॉप में कार्टून इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट डजेंट मैटर कि आपका पेट एक डॉग हो, कैट हो, आप ये जो सेम वे है इसको यूज़ करके आप किसी भी पेट को कार्टून में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपना जो सब्जेक्ट है, अपना जो पेट है, उसकी अराउंड एक सिलेक्शन बना लेनी है। उसके लिए आप कोई भी सिलेक्शन टूल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सिलेक्शन करनी नहीं आती, तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 3 डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स, क्विक सिलेक्शन टूल, पेन टूल एंड लेसो टूल, तीनों की हेल्प से आपको सिलेक्शन करना सिखाया था। तो मैं प्रेफर करता हूँ पेन टूल से करना, तो मैं पेन टूल से करूँगा। बट अगर आपको कोई और ऑप्शन यूज़ करना है तो इट इंटायरली डिपेंड्स अपॉन यू। सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट के अराउंड एक सिलेक्शन बना लेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारी सिलेक्शन पूरी हो गई है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें एक नई लेयर बना लेनी है। उसके लिए आप न्यू लेयर पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हमें ब्रश साइज पे आके ब्रश साइज को 7 पिक्सल्स या ज़्यादा भी आप रखना चाहे तो रख सकते हैं। उसके बाद वापस अपने पेन टूल पे आ जाएंगे और एक स्ट्रोक पाथ का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे और अपने सब्जेक्ट के, अपने पेट के अराउंड एक स्ट्रोक लाइन बना लेंगे जो एज ए बाउंड्री हमारी लुक देगी। इसके बाद हमें क्या करना है, सेम वे में जैसे हमने बाहर ये स्ट्रोक लाइन बनाई है, वैसे ही हम अंदर वाले रीजन में जहाँ जहाँ हम लाइंस चाहते हैं वहाँ पे लाइंस बना लेंगे। बट जो आपका स्ट्रोक लाइंस का साइज़ है, प्लीज़ मेक श्योर कि वो जैसे हमने बाहर 7 रखा तो अंदर वाली लाइन इतनी बड़ी ना हो, थोड़ी छोटी हो। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले न्यू लेयर पे क्लिक कर लेंगे हम। न्यू लेयर पे क्लिक करने के बाद आप अंदर वाला जो भी एरिया है वहाँ पे लाइनिंग करना चालू कर देंगे। कंट्रोल एंटर दबा के सेलेक्ट करके कंट्रोल डी से डिसलेक्ट कर लें। इसके बाद हम अंदर वाली रीजन है जो हमारा, उसमें लाइंस बनाना चालू करते हैं। तो अपनी जो लेयर आप अंदर वाली लाइनिंग्स के रख रहे हैं, सबसे पहले आप उस लेयर पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लाइनिंग बनाना चालू करते हैं। तो वही स्ट्रोक पाथ करने के लिए आप स्ट्रोक पाथ पे क्लिक करते चलेंगे, ओके। और जो स्ट्रोक पाथ का ब्रश साइज रखेंगे वो 3 to 4 पिक्सल से ज्यादा मत रखिएगा। कंट्रोल एंटर, कंट्रोल डी, ये देखिए जैसे हमारी आई के अराउंड एक बन गई है। वैसे हम दूसरी आई और अलग अलग चीजें भी कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारी जितने भी अंदर की इंटीरियर लाइंस थी हमने वो अब सेलेक्ट कर ली है और स्ट्रोक कर ली है। जैसे आप, अगर आप, इसमें आपको सेकंड लेयर दिखाता हूँ मैं, ये देखिए, ये अगर हम जूम करते हैं तो ये कि देखिए, ये हमारी लाइंस अंदर वाली लाइंस है जो हमने अभी तक बनाई है। वैसे ही आप अपने पेट के अराउंड ऐसे ही अंदर इंटरनल लाइंस और एक्सटर्नल लाइंस बना लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको करनी है, वो जो आपके पेट के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं उसके अराउंड एक अलग अलग लेयर्स बना लेने हैं कलर्स की। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप देखेंगे जो मेरा डॉग है उसका जो कलर है वो ग्रे प्लस वाइट है। तो मैं क्या करूँगा, एक पूरा सबसे पहले एक ग्रे कलर का एक लेयर बनाऊंगा और फिर एक वाइट कलर की लेयर बनाऊंगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे करना है। सबसे पहले अपने डॉग के अराउंड जितना भी ग्रे कलर है उसके अराउंड एक सिलेक्शन बना लेनी है। आप चाहें तो इस सिलेक्शन के लिए क्विक सिलेक्शन टूल भी यूज कर सकते हैं। सिलेक्शन पूरी होने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहां पर आना है और एक सॉलिड कलर वाली एक नई लेयर बना लेनी है और इसका कलर अपने डॉग के कलर के अकॉर्डिंगली चूज कर लेना। मेरे डॉग का कलर ग्रे है, ग्रे कलर चूज कर लूंगा।
वैसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की अलग अलग लेयर्स बनाते चलेंगे। जैसे एक अब जो हमें दूसरी लेयर बनानी है वो है वाइट कलर की, जैसे आप देख सकते हैं अब हम वो बना लेते हैं। इसके बाद वैसे ही आप क्लिक करेंगे न्यू सॉलिड कलर पे और आप कलर वाइट कलर चूज कर लेंगे। तो जैसे कि हम सारी लेयर खोल के देख रहे हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा हमें व्हाइट वाला रीजन नहीं दिख रहा है, वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि जो ग्रे वाला लेयर है हमारे व्हाइट वाली लेयर्स के ऊपर है। तो जैसे ही देखें मैं इसको आप ऊपर ले जाऊंगा तो आपको व्हाइट रीजन भी दिखने लग जाएगा। तो इसके बाद हमें नेक्स्ट चीज बनानी है, वो है नोज, लिप्स, टीथ्स, आईज। तो एक एक करके हम वो सब चीजें भी बना लेते हैं अलग अलग लेयर्स में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा सारा रीजन पूरा हो चुका है। तो एक एक करके हम सारी लेयर्स को ओपन करके देख लेते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, जो हमारी इमेज की इम्परफेक्शंस है उसको सही कर लेना इरेजर टूल से। जैसे कि आप देख सकते हैं जो माउथ का अंदर वाला रीजन है ये ग्रे हो गया है और यहाँ पे थोड़ा जो बाउंड्री है ये इसके अंदर चला गया। तो इसके बाद क्या करेंगे, आप जूम इन कर लेंगे और अपना जितना भी एरिया आपको जो गलत लग रहा है, जैसे यहाँ पे नाक के यहाँ पे थोड़ा बाहर की तरफ आ गया, जूम इन करने के बाद इरेजर टूल से आप ये चीजें इम्परफेक्शंस को डिलीट करते चलेंगे। जैसे कि आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मुझे फेस के अंदर वाला रीजन इरेज करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जो मेरे को कलर इरेज करना है उस कलर की लेयर पर जाऊँगा। जैसे कि इस वाले केस में जो लेयर है जो मेरे को डिलीट करनी है, इरेज करनी है, वो ग्रे कलर की है, ये देखिए। तो हम जो कलर फिल वाली ये वाली जो लेयर है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप इरेजर टूल पे जाएंगे, इरेजर साइज अकॉर्डिंगली आप ये देखिए डिलीट करते चलेंगे। ये देखिए ये हमारा सिर्फ वो लेयर डिलीट हो रही है ग्रे वाली, उसके सिवा कुछ भी नहीं हो रही। चाहे आप देखें अगर मैं इसको वाइट वाली लेयर पे भी करूँगा तो नहीं होगा कुछ। तो वैसे ही अपना जो इम्परफेक्शन है अंदर वाला एरिया आप डिलीट कर लेंगे। इसके बाद जैसे आप देख सकते हैं हमारा जो ये वाला रीजन है माउथ के अंदर वाला, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो हमें क्या करना है, एक और लेयर बनानी है और इसको हल्का लाइट पिंकिश कलर या सॉर्ट ऑफ वैसा कुछ कलर में हमें इसको कन्वर्ट कर लेना है। उसके लिए वैसे ही हम एक लेयर और बना लेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी इमेज की सारी जितनी भी लेयर्स थी हमने सब बना ली है। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट चीज करनी है वो है इसमें शेडोज ऐड करनी है। शेडोज ऐड करने से पहले हमें दो चीज़ें का ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें ज़्यादा ही ब्राइट ना हो। जैसे कि देख सकते हैं आप मेरी आईज ना काफ़ी ब्राइट है, कलर अगर कोई कलर आप एडजस्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा कलर को लाइट करना चाहता हूँ, क्या करूंगा जैसे इसके ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे आऊंगा और कलर ओवरले में ये कलर चूज कर लूंगा।
वैसे ही अगर सिमिलरली आप और भी चीज़ें करना चाहते हैं, और भी कलर चेंज करना चाहते हैं, वैसे ही जैसे मैं आईज़ का थोड़ा ज़्यादा ब्राइट लग रही हैं, तो एक ऑप्शन ये भी है। एक ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप इसकी ओपेसिटी को थोड़ा कम ज़्यादा कर लें। जैसे देखिए, नोज की ओपेसिटी थोड़ी कम कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें करने के बाद जो नेक्स्ट चीज करनी होती है हमें, हमारी सारी लेयर्स जितनी भी हमने बनाई है उन सबको मर्ज करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, शिफ्ट दबा के आप सारी लेयर्स को सेलेक्ट करते चलेंगे। और इन सबको मर्ज लेयर्स क्लिक करके मर्ज कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी एक लेयर बन चुकी है। ये देखो, ये हमारी पहले जो पिक्चर थी वो है, और जो हमने अभी ये बना ली है ये वो पिक्चर है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें करनी है वो क्या करनी है, हमें इसके अंदर शेडोज बना लेनी है ताकि हमारी इमेज थोड़ी और एनहेंस हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी इनिशियल लेयर थी सबसे पहले वाली, उसको हम कॉपी कर लेंगे कंट्रोल जे दबा के, या आप यहाँ पे आके डुप्लीकेट लेयर का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले इमेज पे आना है, एडजस्टमेंट्स पे आना है, और इसको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर लेना है। जो हमने अभी लेयर बनाई आप उसको सबसे ऊपर ले आएंगे। उसके बाद हमें फिल्टर पे आना है, फिल्टर गैलरी पे आना है, और जो यहाँ पर आर्टिस्टिक ऑप्शन है उसमें कटआउट ऑप्शन जो है उस पर चूज करके ओके पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमें ब्लेंड मोड्स दिख रहे हैं उस पर हमें क्लिक करना है, और यहाँ पर ओवरले ऑप्शन जो है हमारा उसको चूज कर लेना है। ओवरले ऑप्शन चूज करने के बाद हमारी इमेज काफ़ी बहुत रेडी हो चुकी है। अब इसके बाद अगर आप चाहें तो इसकी ओपेसिटी कम करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं थोड़ा सा। जैसे देखिए, तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी कार्टून इमेज रेडी हो चुकी है। इसके बाद चाहे तो आप ये वाली लेयर जो है कलर्ड लेयर, इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट स्टेप करना है, अगर आप चाहें तो आप इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपने पेट के अराउंड एक सिलेक्शन बना लेनी है। तो जैसे आप देख सकते हैं हमारी ये सिलेक्शन हो गई है। इसके बाद आप कंट्रोल एंटर दबा के ये सिलेक्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, एक नई फाइल बनानी है, न्यू पे आना है, कोई भी साइज आप चाहते हैं उसको ले लेना है। जैसे मैं मान लीजिए 1000x1000 पिक्सल्स यूज कर रहा हूँ। उसके बाद आपको अपनी इस इमेज को मूव टूल से अपनी इमेज को ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर लेना है। कंट्रोल टी दबा के आप साइज को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं वो कर लीजिए। अब हमारे पास यहाँ पे आके दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये होता है कि हम क्या करेंगे, हम अपने जो हमारा कार्टून इमेज तैयार हुआ है उसके अराउंड एक सर्कल या कोई शेप बना लेंगे, या तो हम इसके अराउंड इस पूरे को हम कलर कर लेंगे। जैसे कि देखिए, आपको क्या करना है, अपने बैकग्राउंड लेयर पे आना है, पेंट बकेट टूल लेना है, कलर चूज कर लेना है। जैसे मैं मान लीजिए ऑरेंज कलर मुझे सही लग रहा है, और ये तो ये देखिए आपकी इमेज कितनी इनहेंस हो गई है, कितनी अच्छी लग रही है। ऐसे ही चाहते हैं तो आप एक और ऑप्शन आता है आपके पास कि आप कोई शेप, जैसे कि मोस्टली आप इक्लिप्स टूल देखते हैं, शेप बना लेंगे। कंट्रोल टी दबा के आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, या तो आप इसका ऊपर वाला हिस्सा नीचे करना चाहते हैं,
या कुछ भी करना चाहते हैं, या तो आप इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, तो इसको आप फिर मूव करके अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। फिर चाहे तो आप इसमें नीचे टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके इसके साइज़ को छोटा कर लेते हैं, और इसके अकॉर्डिंगली अपनी जो हमारी पीछे वाली वो है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हमें नीचे टेक्स्ट ऐड करना है तो हम एक रेक्टेंगुलर टूल ले लेंगे, शेप ले लेंगे। इसके बाद आप चाहें तो इसमें और स्ट्रक्चर शेप्स ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने आज की वीडियो में सीखा कैसे आप अपने पेट की इमेज को आप कार्टून में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये आज की वीडियो पसंद आई, और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कीजिए। थैंक यू।